कल दिनांक 23 जून 2024 रविवार को बरारुआ प्रखंड क्षेत्र के सिरकुंड में स्थित असलाम एजुकेशनल सेंटर मदरसा गुमानी प्रांगण में आजसू का ईद मिलन समारोह एवं पाकुड़ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो गया, जिसकी अध्यक्षता बरारुआ प्रखंड अध्यक्ष अंसार अली उर्फ मिंटू एवं मंच संचालन अब्दुल मलिक ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक अकील अख्तर मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर गहन विचार विमर्श और राय शुमारी की। कार्यक्रम में पाकुड़ विधानसभा अंतर्गत दोनों प्रखंड बरारुआ एवं पाकुड़ सदर के सभी पंचायतों के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक अकील अख्तर ने सीधा संवाद किया और अपना विचार प्रकट करने का अवसर भी दिया। पूर्व विधायक अकील अख्तर ने कहा कि मेरे लिए पाकुड़ की जनता और मेरे कार्यकर्ता ही मेरी राजनीतिक पूंजी है। जनता के लिए काम करता हूं, जनता की ही सुनूंगा। पाकुड़ की जनता के लिए राजनीति करता हूं, इसलिए यहां के लोगों के विचार, राय और सुझाव को सर आंखों पर रखता हूं। मुझे खुद ये अधिकार नहीं कि जनता के विरुद्ध जाकर राजनीति करूं। यहां के लोगों का अधिकार है। मैं अकील अख्तर चाहता तो पाकुड़ छोड़कर कहीं और अपना राजनीति चमका सकता था, राज्यसभा जाकर आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने यहाँ के लोगों के दुख दर्द कम करने, उन्हें हक अधिकार दिलाने और साधारण लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है। इसे जनता के साथ मिलकर पूरा करूंगा। मैंने हमेशा अपने व्यक्तिगत हित या पार्टी हित से ऊपर उठकर जनता के हित के लिए सोचा है और आजीवन जनता के लिए लड़ाई और संघर्ष करता रहूंगा। वहीं युवा नेता अफीफ अमसल, केंद्रीय समिति सदस्य मोहम्मद मुसब्बिर, पाकुड़ जिला प्रधान सचिव मिथिलेश ठाकुर, साहिबगंज जिला प्रधान सचिव मोहम्मद साहिबान, पाकुड़ सदर प्रखंड अध्यक्ष रफीक अहमद, केंद्रीय समिति सदस्य मोहम्मद मूसा, मौलाना बुरहान, मौलाना अबुल हसन, मौलाना अंजारुल सहित अन्य कई कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मौके पर केंद्रीय समिति सदस्य सरफराज अहमद, सैताब खान, महताब हुसैन, शफीकुल इस्लाम, मंजूर आलम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।